जय श्री कृष्णा। आज हमने ये नाश्ते के लिए बनाया है दलिया, वेजिटेबल्स डाल के और पनीर डाल के, जो के बहुत ही पौष्टिक हो गया है। नाश्ते में सुबह अगर दलिया खाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए कितना हमारा खिला खिला बिल्कुल दलिया बना हुआ है। ये देखिए सब्जियों के साथ कितना टेस्टी लगेगा। बनाना बिल्कुल ही आसान है। दलिया को आप दही के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। दूध लेना चाहें तो आप दूध ले सकते हैं, दही लेना चाहें तो आप दही ले सकते हैं। दोनों के साथ ही अच्छा लगेगा। आपको जो अच्छा लगे आप वही चीज ले सकते हैं। आइए देखें कि हमें कैसे बनाना है। शुरू करते हैं अपना दलिया बनाना। हमने ये थोड़ी सी सब्जियां ले ली है काट के। जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो आप वही वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और जितनी मात्रा आपको पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। मैंने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पनीर भी लिया है। थोड़े से मटर, आलू, गाजर, एक मिर्च काट के ले लिया है और थोड़ी सी अदरक बारीक काट के ले लिया है। आधा कप हमने ये दलिया लिया है जो कि मैंने पहले से ही भून के रख रखा है, नहीं तो आपको पहले से ही अलग से भूनना होगा दलिया। गैस पे हमने कुकर रख लिया और उसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। दलिया देसी घी में ही अच्छा बनता है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो आप वो डाल सकते हैं। घी गर्म हो गया, जीरा डालेंगे, चार पांच काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, दो लौंग डाल देंगे और कटी हुई अदरक इसमें डाल के थोड़ी सी चलाएंगे, बस 10-15 सेकेंड चलाएंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, मिर्च को भी बस थोड़ा सा ही चलाएंगे। ये जो हमने सब्जियां काट के रख रखी हैं वो सब्जियां ऐड कर देंगे सारी, आलू, मटर, गाजर, इनको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे अब 2-3 मिनट के लिए। सब्जी हमारी सेमी कुक हो गई है, इसके अंदर हम ये अपना दलिया ऐड कर देंगे। भुना हुआ दलिया है हमारे पास, पर हम इसको भी थोड़ा सा अभी इन सब्जियों के साथ ऐसे चला देंगे तो इसका टेस्ट और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। ये दलिया हमारा अच्छी तरह भुन गया है सब्जियों के साथ भी। आधा कप हमारा दलिया था, 2 कप पानी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मैंने ये आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, 1/8 छोटा चम्मच हमने काली मिर्च पिसी हुई भी डाली है इसमें। इसको मिला देंगे अच्छे से, चुटकी भर काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक से हमारे इस दलिये का टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा। इसमें पनीर भी ऐड कर देंगे और ढक 2 सीटी आने तक इसको गैस पे कुक होने देंगे। 2 विसल आ चुकी है, गैस बंद कर देंगे। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है। अब हम अपने इसको दलिये को देखेंगे। ये देखिए ये हमारा दलिया बड़ा अच्छा बन के खिला खिला तैयार हो गया है, और देखते हैं कि ये हमारा नरम हो गया है क्या। दलिये के दाने भी हमारे बिल्कुल नरम है और अब ये परोसने के लिए तैयार है। इसको अब हम एक सर्विंग बाउल में डाल के परोसेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म खिला खिला हमारा दलिया बनके तैयार हो गया है सुबह नाश्ते में परोसने के लिए। खुशबू के लिए बस ये थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये हमारा नाश्ते के लिए पौष्टिक दलिया बनके तैयार हो गया है वेजिटेबल्स के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो दलिया का अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।